कॉमेडी सर्कस तीन का तड़का के सफर में एक तिकड़ी का होगा जर्नी एंड। अब बारी है जानने की कि वो कौन सी दो तिकड़ियां हैं जो खतरे में हैं। जिन दो तिकड़ियों को आज सबसे कम मार्क्स मिले हैं वो हैं शरद भारती और परेश आप, और दूसरी तिकड़ी है राजीव स्मिता और सलोनी आप। और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारती का। रोहित जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपको काफी अच्छा लग रहा है मैं दो बार खतरे में इतना चाहते हैं आप, मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब मेरी अकेले की परफॉर्मेंस इतना देखना चाहते हैं ना आप भी ना? सच्ची ऐसे मतलब मम्मी आए आप क्या ऐसे मत किया करो। दीदी तुसी जरा इनसे बात कर लेना, इनकी वाइफ से। अच्छा। ले घर में दो बहनें रह सकती हैं। अब फैशन शो देखे होंगे आपने टीवी पे, एक एफ चैनल भी आता है। रोहित जी मुझे पता है रात को ये भी उठ उठ के देखते हैं, लगा उधर अजीब सी उन्होंने मुर्दा सी लड़कियां ली होंगी और कोई बाल्टियां इधर मग्गे फूल फाल पता नहीं क्या क्या तो चलेंगी ऐसे, फोटो सेशन हो रहा होगा दूर से ऐसे आएंगी। इतने इतने कपड़े डाले होंगे, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा होगा। यस, उसको ऐसे देख रही होंगी। फोटोग्राफर डर जाएगा कि भाई सोच रहा होगा कि मैंने तुम्हें कहा छोटे कपड़े डालने के लिए। खैर ये कैमरे वाले शादी ब्याह में सबसे ज्यादा बुरा हाल कौन करते हैं? कैमरे वाले। कुछ पड़ोसने आंटियां हमारी ऐसी रोशनी जैसी आती जिन्होंने शगुन थोड़ा 500 डालना होता है, गलतियां बहुत निकालती हैं और सुबह से खाना बंद कर देंगे क्योंकि लहंगे की फिटिंग नहीं आती। प्लेट इनकी बाद में भर लेंगी क्योंकि बरात वो सब चली गई होती है। भाई रब्बा कुछ भी नहीं खाया सुबह से, ये कैमरे वाले भाई सब कैमरा लेकर ऊपर ही। हाय साथ वाली को ही कहेंगी शीतल देखी कैमरे वाला चला गया तेरे पीछे ही है बदतमीज। ये कैमरे वाले भाई साहब को पता चल जाता है कि ऐसी लड़कियां चाहती कि इनके ऊपर कैमरा नहीं बजे, तो वो कहाँ जाते हैं? हमारे सुरिंदर बाजी लेग पीस पकड़ा होता है पूरे जोश से बिजनेस की बात में, शर्मा साहब शर्मा साहब बच्चे ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, सोच रहा हूँ MBA के लिए विदेश भेज दूँ। अभी कैमरे वाले पूरा फोकस ले रहे होंगे उनकी प्लेट में लेग पीस में और वो भी शर्मा जाएगा। शर्मा साहब हार कर कैमरे वाले को बोल देंगे अरे भाई साहब सारा कैमरा इधर मारोगे कि जिनकी शादी है उधर भी मारोगे। थैंक यू। मैं दोनों तिकड़ियों को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आ जाए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि दोनों तिकड़ियों को क्या स्कोर्स मिले। शुरू करते हैं राजीव, सलोनी और स्मिता आपसे। आपको रोहित ने दिए 8 नंबर, अर्चना ने दिए 10 नंबर और हमारी स्टूडियो ऑडियंस ने दिए 9 नंबर। इससे आपका टोटल होता है 27 पॉइंट्स। शरद भारती और परेश, आपको रोहित ने दिए 9 नंबर, अर्चना ने दिए 10 नंबर और ऑडियंस ने आपको दिए 8 पॉइंट्स। आपका टोटल होता है 27। इट्स अ टाई। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्योंकि आप दोनों के स्कोर्स सेम है इसलिए कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है, कोई वॉकआउट नहीं होने वाला है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉमेडी सर्कस का 100th एपिसोड। 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं तो आज यहाँ इस मंच से कोई उदास होके नहीं जाएगा, हम सिर्फ खुश रहेंगे और खुशी फैलाएंगे। सो कंग्रेचुलेशन, आप हंसते रहिए और प्लीज हमारी ऑडियंस को हंसाते भी रहिए। मुंबई में जितना गेटवे ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंस नहीं होगा उतना डांस बार्स का है। फिर डांस बार्स बंद हो गए, अब एक ही बार बचा है, भारती बार। देखिए इनके बार में कौन कौन आ रहे हैं।
So please give a fat round of applause for the fifth swar of music, Sarega Pa, Paresh, Sharad and Bharti. मजा ही कुछ और है। क्यों अर्चना, तुम्हें तो पता ही होगा। ओए रब्बा, कितना मजा आता था, तुम कितने पैसे लुटाती थी। आजकल तुमने भी आना बंद कर दिया। अच्छा अच्छा सॉरी, तुम तो कॉमेडी सर्कस की फिर से जज बन गई हो ना। और 500 का नोट तुमने भी काफी दिनों से नहीं देखा होगा। रोहित, तुमने बनाई थी ना गोलमाल, ये लो, ऐसा गोलमाल तुमने कभी नहीं देखा होगा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, पैसे में क्या बात है, पैसे की लगा दू ढेरी, मैं बारिश कर दू पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। अबे बस कर। फटाफट कुछ कहा, धंधे का टाइम हो रहा है, बेवड़े लोग आते होंगे। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। नमस्ते अंकल। अबे अंकल होगा तेरा बाप। अरे होगा क्या है, इसका अंकल इसका बाप है। चल फटाफट कुछ पिला। हे ओल्ड मैन। ओल्ड मैन पियोगे क्या? तू जानती है मैं कौन हूँ? शक्ल से तो बांग्लादेश के अमिताभ बच्चन लग रहे हो। Shut up! मैं बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर माल्या हूँ। तुम वही हो ना जिसके कितने सारे जहाज हैं, और तुम खूबसूरत लड़कियों को एयरोस्टेस बनाते हो। एयरोस्टेस भी बनाता हूँ। मैं भी एयरोस्टेस बनना चाहती हूँ स्वीटू। मुझे पता है कि एयरोस्टेस कैसे बनते हैं। नमस्कार, इस बियर बार के दो द्वार हैं, एक मेन द्वार, और अगर पुलिस का छापा पड़ जाए तो भागने के लिए पिछला द्वार, और अगर ज्यादा पीने के बाद आपको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए गटर चाहिए तो वो हमारे बार के सामने खुला हुआ है। क्यों ऐसे ही बोलती है ना? आए, मैं तुम्हें भी एयर होस्टेस बना सकता हूं। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। ऐसे खुश करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर कैसे? अर्चना जरा बताओ इसे। मैं आया। अरे माल्या साहब। और तुम भी कितना घटिया गाना सुना रहे हो, ये नशेड़ी जब तक अच्छा गाना ना सुन ले कोई पैसे नहीं फेंकता। तुम क्या अच्छा नाच रही हो? रोहित तुम बताओ, क्या मैं अच्छा नहीं डांस कर रही? भाई मार ही डाला तुमसे सिर्फ 500 रुपए। क्या सुनोगी? कुछ भी सुना दो, तुम्हारे मुंह से तो सब एक जैसा लगता है। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ, दिल को चुराना लेंगे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर, आंखों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। कौन है तू? बिग बॉस नहीं देखता है वे? नहीं। अबे मैं KRK हूँ। तो ऐसा बोल ना KRK। बीप 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 बीप। ए सुर में बोल। ए मोटी बीप बीप बीप। ए मोटी बीप। बस कर, अगर ज्यादा बीप बीप की ना तो यहाँ से भी निकाल दूंगी जैसे बिग बॉस के घर से निकाला गया था। KRK इतना छोटा स्टार नहीं जो कोई भी उसे बियर बार से बाहर निकाल सके। क्या वजनदार बात कही आपने। आपके लिए एक गीत नोश फरमाता हूं मैं। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया।
अबे मैं पर्वतों से नहीं टकरा रहा हूँ, पर्वत खुद आकर मुझसे टकरा रहा है यार। जादू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो हमारे मेहमान हो। सर, ये क्या? आप पैसे की जगह चेक फेंक रहे हो? क्या के इतना छोटा स्टार नहीं कि 500 और 1000 की नोट लेके घूमे, इसलिए चेक। मेहमान खबरदार, जो गिरे हुए चेक उठाए तो। अरे साला, जो अपना गिरा हुआ एक्ट उठा सकता है, चेक क्यों नहीं उठा सकता बे? ये यार कि इतना छोटा स्टार नहीं जो अपने से छोटे आर्टिस्ट की कदर ना करे। अबे रहमान, तू क्या हंस रहा है बे? मैं रोहित की बात कर रहा हूँ। चल। अरे क्या यार, घटिया गा रहे हो, एक एक करके सारे गायक जा रहे हैं। तुम्हें पता है इसका खाना लंदन से आता है, कपड़े सिंगापुर से आते हैं, नाश्ता बैंकॉक से आता है। अरे केयर के कहाँ से आता है? अरे चिकने, रोहित तू क्या हंस रहा है? मैं अर्चना से बोल रहा हूँ। चले तू गाना गा बे। यहाँ बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता है। पैसा पैसा पैसा। क्या तुम पैसा मांगते हो? घर पे मेरी बीवी पैसे मांगती है, रोज 6000 मांगती है। उंगलियाँ तो 5 हैं। अरे मैं ऋतिक रोशन हूँ क्या? तुम्हारी बीवी करती क्या इतने पैसों का? मुझे क्या पता, मैंने अभी तक दिए थोड़ी। तू तू दारू पीला और तू ए मेरी फेवरेट गजल का कोई भी। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन बंद कमरे में कुड़ी आती, ओए ओए ओए, सारा दिन कमरे में बंद कुड़ी आती, अखियों में घुलती है, अखियों में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। कैसी लगी इनकी बियर बार में एंट्री? भारती ने अपने दिल की तमन्ना पूरी कर दी। नहीं, मेरे साथ ही आपके साथ? और साथ में परेश ने भी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की है। बट एक पूरा गिमिकी एक्ट जिसको कहते हैं ना, वो था ये। और परेश, आई थिंक दिस वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस जब से मैं यहां बैठा हूं। I quite enjoyed the act. There were moments in the act जो बहुत 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 हंसा रहे थे हमको. And Rohit is right, परेश, ये आपकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है ऑन द स्टेज. रोहित, ये शो टेलीकास्ट भी होता है भारती? मैं तो आ रही हूँ, आप ही शादीशुदा हो। चलो। I'll give you a 9. 9? नहीं नहीं, मैं कम नहीं दे रही हूँ, इन सपोर्ट 9 दे रही हूँ. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.